सब लोग आनंदित है? थोड़ा मुस्कुरा के दिखाइए। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आनंद के। हालेलुया। आप कोई लड्डू कहीं बट रहा हो और कोई कहे कि मुझे तो लड्डू नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, बट रहा है तो ले लो। हालेलुया। अब बट रहा है तो आपको लेना चाहिए। तो प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तो हम नहीं मुस्कुराओ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आनंदित होना है। हालेलुया। हमें दुख नहीं मनाना, हमें खुशी मनानी है। जब लोगों ने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात बताऊ, कहता है, पढ़ देंगे जरा सा, बहुत अच्छा गीत भी इसके ऊपर लोगों ने बनाया है, भजन संहिता, भजन संहिता की पुस्तक, भजन की पुस्तक है, गीत है ये, तो 122। कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं क्या हो गया? नहीं, दुखी हो गया। अरे मेरा आज कपड़े साफ करने थे, ये तो पीछे ही पड़ गए, है ना? जब लोगों ने मुझसे कहा कि आइए हम परमेश्वर के भवन को चले, तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ। ऐसा नहीं है, क्या कहता है? मेरे साथ सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जोरदार ताली बजाइए। तब मैं क्या हो गया? मैं आनंदित हो गया। अरे परमेश्वर के घर में चलना है, आज मैं जरूर कुछ आशीष लेकर आने वाला हूँ, आज जरूर मैं परमेश्वर को खुश करके आने वाला हूँ, अपने गानों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा, अपने दान के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है कि तब मैं आनंदित हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब इससे पहले तो नॉर्मल सा थे, चलो ठीक है, चल रहा है, पर जैसे ही बोले चलो प्रार्थना करने चलते हैं, चलो आज परमेश्वर के भवन के लिए चलते हैं, तो कहता है मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। राजा ऐसा करता है, चलो आज हम परमेश्वर के भवन, राजा खुश हो गया। वाह। आजकल जानते हो प्रॉब्लम ये है, जब तक प्रजा है तो ठीक है, जब राजा बन जाए तो परमेश्वर को भी भूल जाए, है कि नहीं? जॉब लग गई है, काम में छुट्टी नहीं मिलती है, अब रोज तो काम ही करते हैं, संडे को ही केवल खाली मिलता है, ऐसे बातें आती हैं। आज ना रिश्तेदार आ गए थे, आज ना किसी को न्योता देने जाना था मुझे, आज मेरा विशेष काम था। देखिए दाऊद ने कहा, एक एक राजा है, कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? जब कहे लोग चलो हम अब यात्रा पर चलते परमेश्वर के भवन के लिए, दूरी था थोड़ा, चलो चलते हैं, कहता है मैं बहुत खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया। अरे मेरे मन की बात किसी ने कही कि चलो हम चलते हैं? हालेलुया। नहीं रहने दो, वो तो 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, कहाँ जाओगे? दाऊद, ये जो लिखा है ऊपर में देखिए, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत। कैसा गीत? मतलब यात्रा में जाते थे लोग, जहां रहते थे वहां पर दूर था वो जगह, जहां परमेश्वर की महिमा भवन था। आज तो लोग कहते हैं बस घर से निकले और सामने भवन मिल जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल घर के सामने, तो सब लोग 10 बजे आएंगे तो वो 11 बजे आएगा, गारंटी में बता रहा हूं। कहां से आए हैं आप?
हाँ यूपी कौन सा जगह? बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर के पास कितने बजे पहुंच गए थे? रात को 2 बजे पहुंच गए थे। आप जरा सोच सकते हैं, रात को 2 बजे पहुंच गए थे और घर के पास जो कह रहे थे कि कलिसिया होनी चाहिए वो 11 बजे पहुंचते हैं या 10:30 बजे पहुंचते हैं, तो प्रॉब्लम है। जब दिल है तो हम दौड़े चले आएंगे, चाहे 10 कदम हो, चाहे 50 कदम हो, चाहे 10 किलो हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 100 किलोमीटर हो। जब लोगों ने मुझसे कहा और परमेश्वर के भवन में हमारा बुलावा आया है, हमें दौड़े दौड़े और खुश होकर जाना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा संदेश है परमेश्वर के राज्य में स्त्री का महत्व। परमेश्वर के राज्य में स्त्री का महत्व, एक वुमेन का महत्व, एक महिला का महत्व क्या है? लोग कई बार इस बात को नहीं जानते हैं कि स्त्री कौन है, तो नाना प्रकार की बातें बनाते रहते हैं। कई प्रकार के दुष्ट लोग भी संसार में पाए जाते हैं जो अपने स्त्री को या स्त्री को बहुत नीचा समझते हैं। कई प्रकार के वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो शायद मुंह से लेना भी अच्छा नहीं लगता है, कि तू मेरे पैरों की ये है, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारे शब्द इस्तेमाल लोग करते हैं अपनी पत्नी के लिए या दूसरी स्त्री के लिए, जबकि वो जानते नहीं या समझ नहीं पाते हैं कि स्त्री एक्चुअली है कौन। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1:27 में परमेश्वर ने बताया आखिर नारी है कौन, आखिर स्त्री है कौन। पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 उसका 27 कोई जी हाँ। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, उसमें से नर और नारी करके सृष्टि की। क्या की? क्या की? और दोनों को इक्वल बनाया, क्योंकि दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। ऐसा कहा क्या कि मैं स्त्री को बहुत नीचा बना दूंगा, पुरुष को बहुत ऊंचा बना दूंगा? ऐसा है कुछ क्या? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और उसमें से अगर किसी का पहचान हम कर लेते हैं तो स्त्री और पुरुष जाति। उसमें से नर और नारी बनाया, लेकिन दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोनों को क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया। तो स्त्रियां किसी के पांव की जूती नहीं है, स्त्रियां किसी की रखेल नहीं है, स्त्रियां किसी का गुलाम नहीं है, स्त्रियां पुरुष के लिए मददगार हैं, हेल्पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हेल्पर से भी कई लोग ये समझते हैं, हेल्पर से भी लोग कई ये समझते हैं कि नौकर है ना। सुनिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों नौकर नहीं, मदद करने वाला, सहायता करने वाला। हालेलुया। आज समाज इतना अलग दिशा में चल गया है कि स्त्री को समझ नहीं पाता कि वही स्त्री एक किसी की माता है, वही स्त्री किसी की बहन भी है, वही स्त्री किसी की पत्नी भी है, वही स्त्री किसी की नानी भी है, वही स्त्री किसी की दादी भी है। फिर भी स्त्रियों को उतना ज्यादा महत्व नहीं
देते हैं। और जबकि परमेश्वर ऐसा चाहता नहीं है, फिर भी मनुष्य अपने समाज के कुरीतियों को, मैं कहता हूं कुरीतियां, हालेलुया, बहुत सारी रीति रिवाज है, बहुत सारी पद्धति जो समाज की है, बहुत अच्छी भी है, हालेलुया। जैसे हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे कपड़े पहनना, तन को ढांक के रखना, अच्छे से सादगी के साथ रहना हमारे देश की एक पहचान है, शायद ये पाश्चात्य देशों में नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि भारत देश एक अलग ही यूनिक देश है, जहाँ का पहनावा अच्छा है, जहाँ के लोग अपने तन को ढक कर रखते हैं, जहाँ पर प्रदर्शन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिए, हमको और आपको जानने की बहुत बहुत जरूरी है कि स्त्री इक्वल है, कुरीतियों को फॉलो नहीं करना है। एक समय में था जो हमारे देश में एक बहुत ही बुरी कुरीति थी, जिसको सती प्रथा कहते हैं। जब पुरुष मर जाता था, स्त्री को भी उसके साथ उसके चिता पर बिठा दिया जाता था, उसको भी उसके साथ जो है दाह संस्कार उनका कर देते थे। कुरीतियां मनुष्य के द्वारा बनाई गई कुछ कुरीतियां जो परमेश्वर प्रसन्न उससे नहीं होता है, पर बहुत सारी रीतियां हैं जो बहुत अच्छी है, जिसको जैसे मैंने कहा अच्छे वस्त्र पहनना हमारे देश में शुरू से सिखाया गया, उनको ढक कर रखना सिखाया गया, बड़ों का आदर करना सिखाया गया, किसके साथ कैसे पेश आना है सिखाया गया, और लोग चलते हैं और सादगी के साथ जीवन जीते। हालेलुया। कुछ कुरीतियां हैं जिसको हमें दूर करना है अपने लाइफ से, कि औरत नीची है, औरत पैरों की जूती है, या औरत का वैल्यू नहीं है, ये परमेश्वर कतई नहीं चाहता, ये परमेश्वर ने कभी सोचा भी नहीं, परमेश्वर ने इस प्रकार की बातें कभी हमारे ऊपर जाहिर भी नहीं की है और कभी किसी से बात भी नहीं किया है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य में दो पहचान दिए, एक स्त्री और एक पुरुष। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष को इक्वल बनाया, हालेलुया। अब मैंने जब कहा था सहायक बनाया, तो कई लोग सोचते हैं कि राजमिस्त्री होता है तो उसका हेल्पर होता है, तो राजमिस्त्री की वैल्यू अलग है, हेल्पर की वैल्यू अलग है, कोई इंजीनियर है तो उसका हेल्पर है तो उसकी वैल्यू अलग है। देखिए, यहाँ पर उस प्रकार की बातें नहीं चल रही है, यहाँ पर इक्वालिटी की बातें चल रही है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने पुरुष को जितना वैल्यू दिया, उतना ही वैल्यू स्त्री को भी दिया। Praise the Lord. ये बात सत्य है कि दोनों इक्वल है, पर अगर कहीं पर परमेश्वर ने किसी को अधिकारी बनाया तो वो था पुरुष, क्योंकि पहले पुरुष की सृष्टि की गई, उसके बाद स्त्री की सृष्टि की गई, पर समानता में कोई अंतर नहीं है। हालेलुया। मैं कहता हूं बहनों, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। हम अपने आप को इतना हल्का ना समझें। हालेलुया। ये सब विचार है जो सालों 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 से लोगों ने माताओं और बहनों के जीवन में, मनों में डाल दिए हैं। क्या करेगी ये सिक्के, क्या सीख करेगी म्यूजिक सीख के, क्या करेगी पढ़ाई करके, अरे तुझे जाकर चूल्हा ही तो फूकना है, ये सिखा दिया गया है। हालेलुया। स्त्रियां आज ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं,
हालेलुया, क्योंकि उन्होंने उन कीर्तियों को जो सिखाया गया था उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ी और आज ऊंचाइयों पर। हालेलुया, नहीं तो समाज को निकलने देना नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। रेसलिंग में चली गई, स्त्रियां आर्मी में पाई जाती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इक्वल है, परमेश्वर ने बनाया है, पर कुरीतियों ने, समाज की अपनी अपनी रीतियां हैं। मैं तो ये कहता हूं, हर जाति की अपनी अपनी रीतियां हैं और उन्हीं के अनुसार लेडीज को लीड करना चाहते हैं। क्या करते हैं? लीड करते हैं कि तुमको ऐसे जीना है, लेकिन हेल्पर का मतलब ये नहीं है। हेल्पर का मतलब ये है कि वो उसके हर काम में साथ साथ मददगार हो, उसके हर निर्णय लेने में, उसके हर कदम में साथ साथ चले, वह उसकी ताकत बन जाए, वह उसकी सहायक बन जाए, उसकी वो बल बन जाए, वह उसका बुद्धि बन जाए, निर्णय लेने में जहां समझ ना आए पूरी रीति से 100% अपना योगदान दे। लोग ठीक कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे, हालेलुया, एक स्त्री का हाथ जरूर होता है, चाहे उसकी माँ का, जोरदार बताए, रोटी मत पकाए, हालेलुया, चाहे माँ का हो वो रोल, चाहे वो पत्नी का रोल हो, चाहे वो बहन का रोल हो, चाहे दादी का रोल हो, चाहे नानी का रोल हो, किसी न किसी को सफल बनाने में किसी का तो रोल है। Praise the Lord. Praise the Lord. तिमोथियस को पौलुस कहता है कि तेरी नानी में जो गुण थे, जो नेकी, सच्चाई और मेहनत था, वो तेरी माँ में भी थे, और मैं विश्वास करता हूं अवश्य वो तेरे में भी है। हालेलुया, क्योंकि तेरी माँ ने जो सीखा नानी से, तेरी माँ का बातें तेरे अंदर जरूर होंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मातृभाषा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ से ही सब कुछ सीखता है। प्रेज द लॉर्ड। चलना, बोलना, सब बातें क्योंकि माँ ही है जो अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण करती है। उसी बेटे को जो बड़ा होकर कई कुरीतियों में फंसकर अपनी पत्नी को नीचा समझता है, उसकी माँ जो एक स्त्री थी, उसी ने उसको ऊंचा उठाकर ऐसा खड़ा किया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ रीतियां अच्छी है जिसको फॉलो करो, लेकिन कुरीतियों से दूर रहो, कुविचारों से दूर रहो, सुविचारों को फॉलो करो। हेल्पर का मतलब ये नहीं कि वो आपसे बहुत नीचे है या उसका पद नीचे है। परमेश्वर भी तो हमारा हेल्पर है, परमेश्वर भी तो हमारा, आप क्या बोलोगे फिर, आप क्या बोलोगे? भजन संहिता 33:20 पद, भजन संहिता 33:20 पद, ऊंची आवाज से पढ़ें। हाँ। हमारा क्या है, क्या है? सहायक ही तो है हेल्पर, वो मेरा सहायक है और ढाल भी है। अब क्या कहोगे, सहायक का मतलब क्या होता है? नौकर तो नहीं है, नीचा तो नहीं है, वो आपका मददगार है। आपको हमको थैंक्सफुल रहना चाहिए, अपने वाइफ का, अपनी माँ का, अपनी बहन का,
किसी न किसी रीति से परमेश्वर स्त्रियों को हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए खड़ा करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और व्यवस्था विवरण उसका 33 में 7 पद में पढ़ना नहीं है, कहता है परमेश्वर इज़राइल का सहायक है। हालेलुया, इज़राइल का सहायक है, हेल्पर है। इसलिए हम अपने माइंड सेटअप को चेंज करें, अपने विचारों को जब हम गलत सोचते थे उसको चेंज करें और परमेश्वर के राज्य की ओर सही बातों की ओर हम चलें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियां, 20 से ज्यादा स्त्रियां बाइबल में बड़े बड़े काम की हैं, बड़े बड़े। हालेलुया, स्त्रियां अच्छी रानी बनकर राज्य की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्त्रियां में देखते हैं हम रूथ, जो कि एक मुआबी स्त्री थी, पर वही यीशु मसीह की जो सबसे, हालेलुया, दादी पर दादी, जो भी आप समझो, हालेलुया, वही रूथ जो मुआबिन स्त्री थी बनी। एस्तर जो एक यहूदी स्त्री थी, वो एक अच्छी रानी और अपने देश, अपने लोग, अपने कौम को बचाने के लिए खड़ी हो गई थी। हालेलुया। दबोरा एक स्त्री थी जो इज़राइल को दुश्मनों के हाथ से छुड़ाने के लिए, उनके गुलामी से छुड़ाने के लिए एक अच्छा न्यायी बनी और उनको छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना एक स्त्री थी, बांझ स्त्री थी, पर उसने कर दिखाया, परमेश्वर को खुश कर दिया, परमेश्वर को मजबूर कर दिया और उसने जो कमिटमेंट किया। हालेलुया। आज तो बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं और मिलने के बाद भूल जाते हैं। हन्ना ने कहा, परमेश्वर अगर तुम मुझे संतान देगा तो मैं पहली संतान तेरे भवन के सेवा के लिए दूंगी। बहुत सारे लोग आते हैं, भैया अगर कोई पुत्र मिल जाए तो वो परमेश्वर को दे दूंगी, मिलने के बाद परमेश्वर के पास ही नहीं रहते। पुत्र तो दूर की बात है, कई बार जो बोल रहा है वो भी नहीं रहता है। पर हन्ना ने कहा मैं दे दूंगी, जैसे दूध छुड़ाया गया वैसे बच्चा परमेश्वर के भवन में सौंप दिया गया। हालेलुया। एक स्त्री, एक माँ अपने बेटे को कभी कहीं छोड़ नहीं सकती। एक सच्ची माँ कभी भी अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती है। पर हन्ना ने कहा मैं परमेश्वर के लिए सौंपूंगी और उसके दिल पर जो भी गुजरा हो, लेकिन जो उसने कहा था उसने कर दिखाया, ये भी वो एक स्त्री। हालेलुया, बोल यीशु मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे कैसे स्त्रियों को इस्तेमाल करता है। बहुत सारी हमारी हवा जो है आदि माता, हालेलुया, दुनिया में पहली स्त्री और सारी संसार की माता हवा कहलाई। अब्राहम और उसकी पत्नी विश्वास के पिता और विश्वास के माता कहलाई। स्त्रियों ने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। जब आप नीति वचन में पढ़ते हैं तो कहता है बहुत सारी स्त्रियां तो हैं, पर उन सब में तू क्या है, धन्य है, श्रेष्ठ है। जोरदार ताली बजाएं। हर पुरुष को अपनी स्त्री के लिए यह शब्द कहना चाहिए, स्त्रियां तो बहुत हैं लेकिन सुनो, तुम सब स्त्रियों में बेस्ट हो, श्रेष्ठ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी वाइफ को मैं कई बार कहता हूं कि आप सबसे मेरे लिए सबसे उत्तम हो, अच्छे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या पहले शुरू में कहता था और आज भी मैं कहता हूं कि मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री जो हो तुम हो।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने सोच विचार कर ही तो दिया है, सोच समझ कर ही तो दिया है। हालेलुया, इसलिए जो दिया है वो दुनिया की सबसे उत्तम स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे सुंदर स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग केवल रूप की सुंदरता देखते हैं, पर मन की सुंदरता सब सुंदरता से ऊंचा है। सुनो, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसको आदर मिलेगा, उसका आदर। तो स्त्रियों में परम धन्य है, स्त्रियां तो बहुत हैं, पर जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है वो दुनिया की सबसे वंडरफुल, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में भी बहुत सारी स्त्रियां हुई जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। एक स्त्री जिसको हम कभी नहीं भुला सकते हैं, जिसके कोख से हमारे जगत के, हमारे उद्धारकर्ता, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो भी उसका डेडिकेशन था, किसी पुरुष को देख सकती थी। अब जैसे संसारिक लड़कियां जी रही थी वैसे जी सकती थी, पर एक कुंवारेपन को मेंटेन कर रखा था, किसी पुरुष की ओर आंखें नहीं उठाई, अपना मन किसी शारीरिक वासना की ओर नहीं लगाया। आज मैं जवान भाई बहनों को देखता हूं, पहले तो लोग बड़े हो जाने के बाद भी नहीं जानते थे, आज छोटे छोटे बच्चे भी 10 11 साल के 8 साल के बच्चे भी प्रेम सब समझते हैं, प्रेम क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले ये सारी बातें नहीं थी, पर उस समय भी जब मरियम थी तो बहुत सारी जवान लड़कियां शायद अपने मन के मुताबिक जी रही होंगी, पर मरियम ने कहा नहीं, मैं अपने कोख को, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करती हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये है वो स्त्री, ये है वो लड़की जिसके कोख से जगत का उद्धार करता पैदा होगा। जब स्वर्गदूत आकर उसे सलाम करता है तो मरियम घबरा जाती है कि तो स्त्रियों में धन्य है, धन्य है, क्योंकि जगत का उद्धार करता तेरे कोख से क्या होने वाला है, जन्म लेने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप परम धन्य है? आज सबे क्या ऐसे ही तो नहीं बिता रहे हैं? हालेलुया। मैंने देखा आज लिविंग रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दुनिया भर की बातें आज जो है बर्बाद कर दे रहा है लोगों। मरियम और मार्था दो बहन थी जिन्होंने अद्भुत काम दिखाया, जिनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मरियम भी प्रभु से बड़ा प्यार करती थी, वचन के लिए तो खाना पीना छोड़ देती थी। हालेलुया, जोरदार ताली बजा। हालेलुया। मैं मध्य प्रदेश में प्रचार करने गया, वहां पे मेरे पापा थे, तो घर पे क्या था, अभी धान का सीजन है तो धान थ्रेसर आ गया था और उनको धान निकलवाना था, तो किसी ने आकर बोला कि चलिए अभी आप अपना धान निकलवा लीजिए। तो मीटिंग चल रही थी, मेरे पापा ने कहा आज नहीं नहीं अभी निकलना, जाओ। हालेलुया। बोले मुझे वचन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? उन्होंने थ्रेसिंग ही नहीं किया। तो मरियम तो भूखी प्यासी बैठी है और प्रभु की बातें क्या कर रही है, सुन रही है। मार्था परेशान हो रही है, प्रभु मरियम को भेज दे, मेरे खाने बनाने में थोड़ी मदद करे। तो क्या कहता है प्रभु, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है,
पर मरियम ने तो उत्तम भाग को क्या कर लिया है? क्या आपने उत्तम भाग को चुना है? तो जोरदार तालियां। हालेलुया। क्या वचन को सुनने के लिए आप मन लगाते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लस करने जा रहा है। वचन के लिए आप खाना भी छोड़ सकते हैं, परमेश्वर आपको इतना देगा, इतने बेहतर भोजन देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरियम मगदलीनी जो कोई नहीं गया, पर यीशु मसीह जब कब्र में रखे गए थे सुबह सुबह पहुंच गए उसके कब्र पर। स्त्री थी, यह वो स्त्री जो सबसे पहले सबसे बड़ा शुभ संदेश लेकर आई थी। जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। इस पुरुष ने प्रचार नहीं किया था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। मरियम ने बताया था कि स्वर्गदूत मिला था और बोला जाके भाइयों से कह देना कि वो जिंदा हो गया। सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक अगर कोई है तो वो बहने हैं, वो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां। सोच हम रखते हैं इवांजलिस्ट फलाने, इवांजलिस्ट ये, इवांजलिस्ट वो। सबसे बड़ा इवांजलिस्ट जो है वो लेडीज है, जितना वो काम करती है और कोई नहीं। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। एक स्त्री का नाम और भी है बाइबल में जिसको यीशु मसीह ने विशेषकर बताया, वो विधवा स्त्री जिसने चंदे के थैली में दो दमड़ी अपनी पूरी जीविका क्या कर देती है। पौलुस कई स्त्रियों का नाम लेता है जो सेवकाई में सुसमाचार प्रचारक थी। पौलुस ऐसी स्त्रियों का भी नाम लेता है जो बिजनेस करके पैसा कमा के सेवकाई में लगाती थी, जैसे लिडिया और भी स्त्री। हालेलुया। दोरकास और भी स्त्रियों का नाम पौलुस लेता है जिन्होंने सेवकाई के लिए काम किए, मेहनत किया और सेवकाई के लिए पैसे लगाए। स्त्रियों ने अक्विला और प्रिस्किला दोनों पति पत्नी ये थे जो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्तिन थी, बहुत सारी रानियां हुई, बहुत सारे जो है राजकुमारियां हुई, बहुत सारी भली स्त्रियां हुई, बहुत सारी जो परमेश्वर के काम करने वाली स्त्रियां हुई। नाम लेना बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सुसमाचारक एक एक शहर में प्रचार कर दिया थोड़े सेकंड में। उसका नाम था सामरी स्त्री। हालेलुया। सेकंडों में प्रचार किया, वो सामरिया में भागी। देखो देखो, सुनो सुनो, एक पुरुष मिला, अरे कहीं वो उद्धार करता तो नहीं है। उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और सब देखो, सब लोग आ गए। यीशु से रिक्वेस्ट किए, थोड़ा रुक जाओ। यीशु मसीह रुक गए और बोले अब हम स्त्री के कहने से नहीं, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया है कि तो नहीं। नहीं, पतरस ही प्रचार करेगा तो 3,000 आएंगे। अरे वो पापी स्त्री भी प्रचार करेगी ना तो पूरा सामरिया बचाया जाएगा। हालेलुया। नहीं, मैं तो पढ़े बहुत गलत थी, बहुत पापिन थी मैं पहले। मेरा व्यवहार सही नहीं था, मेरा चरित्र सही नहीं था। अब प्रभु में आ गई, मैं दूसरे को क्या बताऊं। आप ही के प्रचार से बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले सु मसीह के। फोबे एक सिस्टर का नाम था, उन्होंने भी बहुत सुसमाचार प्रचार में काम किया। हालेलुया। स्त्रियां ना तो छोटी है ना तो बड़ी है, पर स्त्रियां बराबर है पुरुष के। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक से भला दो। मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा होता कि सब भाई बहन अपना शादी विवाह करके रहे,
बिना शादी विवाह का कोई ना रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक गिरता है तो दूसरा उसको क्या कर लेता है, संभाल लेता है, दूसरा उसको संभाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचारक आप बन सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं इवांजलिस्ट संतोषी सिस्टर, इवांजलिस्ट खुशबू, हले दो कुछ हुए, इवांजलिस्ट खुशबू, इवांजलिस्ट शिवानी, इवांजलिस्ट नेहा, सोनी, हले ये सबका नाम ले देता हूं। चलिए अपने आगे आप लगा सकते हो, आपको काम करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा वरदान दिया। हालेलुया! भजन संहिता 68 अध्याय और उसका 11 पद, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, फिर इसके बाद आप हिंदी में जोर से पढ़ें। द लॉर्ड गिव्स द वर्ड एंड द ग्रेट आर्मी ब्रिंग्स द गुड न्यूज। जल्दी से पढ़ेंगे इसको। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। भजन 68 का 11। प्रभु आज आपको आज्ञा देता है, शुभ समाचार सुनाने वालों की भीड़ लग जाए और आप लोग करो, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया! इवांजलिस्ट आप लोग बन गए क्योंकि परमेश्वर आज्ञा देता है, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाओ, कमांड है, जाओ। शुभ समाचार सुनाने वालियों की एक आर्मी खड़ी हो जाएगी। आर्मी, आप लोग आर्मी, हालेलुया, साधारण नहीं, आप आर्मी हो, आर्मी सेना, प्रभु ने सेना। सबसे ज्यादा आप कलिसिया में सेना को ही पाओगे, सैनिक को नहीं। देख रहे हो नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? सबसे ज्यादा बहनें पाई जाती हैं कलिसिया में, सबसे ज्यादा एक्टिव बहनें पाई जाती हैं कलिसिया में, सबसे ज्यादा लोगों को कलिसिया में लाने वाले बहनें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा बैठकर सुसमाचार गवाही देने वाले ही बहनें पाई जाती हैं। नहीं शर्माती है, नहीं शर्माती है, नहीं शर्माती। ऐसे बहनों के लिए मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार एक दूसरे को। इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आज हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली, पर मैं आज इतना ही प्रचार करूंगा, आगे बताऊंगा। इन दिनों में मैं जूम पर बता रहा हूं कि परिवार क्या है, प्रभु कैसा परिवार बनाना चाहता है, कैसा घराना बनाना चाहता है, कैसा समाज बनाना चाहता है, कैसे लोगों को डेवलप करना चाहता है। तो आप जूम पर भी जुड़कर आप वचनों को सुख सुन सकते हैं। आने वाले दिन में मैं बताऊंगा एक बृहद परिवार, एक छोटा परिवार कैसे प्रभु में अच्छे से चल पाए। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। हालेलुया।